सुबह सद्बुद्धि एवं आरक्षणाय स्वाहा यज्ञ, दोपहर में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन, उज्जैन समानता आंदोलन द्वारा रविवार को प्रातः 9 बजे रामघाट पर सद्बुद्धि एवं आरक्षणाय स्वाहा यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर में समानता आंदोलन द्वारा इंदौर रोड पर आरक्षण के विरोध को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के सामने तख्तियां और बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। समानता आंदोलन के संयोजक यशवंत अग्निहोत्री ने बताया कि वर्तमान में देश और प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों द्वारा संपूर्ण अनारक्षित वर्ग के साथ भेदभाव करते हुए तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है और सामान्य वर्ग को लगातार अपमानित किया जा रहा है। साथ ही विगत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय का पालन कराए जाने हेतु तथा इस निर्णय का विरोध कोई राजनीतिक दल ना करे, इस हेतु समानता आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा सद्बुद्धि एवं आरक्षणाय स्वाहा यज्ञ का आयोजन किया गया है। सद्बुद्धि यज्ञ में समानता आंदोलन संघर्ष समिति स्पार्क्स के अरविंद सिंह चंदेल और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सुरेंद्र चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में समानता आंदोलन के डॉक्टर निर्भय, देवाशीष शास्त्री, नितिन शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, पंकज जैन, डॉक्टर पीयूष पांडे, कमलेश पांड्या, शिवाशीष शुक्ला, राजेश व्यास, विशाल चौबे सहित बड़ी संख्या में सवाक्स और ब्राह्मण समाज के बंधु उपस्थित थे। समानता आंदोलन द्वारा आज आरक्षण स्वाहा और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था और इस यज्ञ के माध्यम से हमने विभिन्न राजनीतिक दलों को एक आग्रह किया है और इस यज्ञ के माध्यम से सद्बुद्धि प्रदान करने का भगवान से निवेदन किया है कि इन सभी दलों को सद्बुद्धि प्रदान करें, कि ये आरक्षण को समाप्त करें, देश को योग्यता के आधार पर बढ़ाएं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है SC ST एक्ट को लेकर के, उस निर्णय को अक्षरशः वैसा के वैसा ही पालन करवाएं, क्योंकि उस निर्णय की मतलब उस SC ST एक्ट की आड़ में कई फर्जी मामले दर्ज हो रहे थे। हमारे ही एक साथी है दिनेश दुबे जी नागदा में, उनके खिलाफ भी एक फर्जी मामला दर्ज हुआ है इसी तरह का SC ST एक्ट को लेकर के।